SC/ST एक्ट में बदलाव। दरअसल 21 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम SC/ST एक्ट के 1989 के तहत दर्ज मामलों में तत्काल गिरफ्तारी पर रोक लगा दी। कोर्ट ने फैसला देते हुए कहा कि सरकारी कर्मचारियों की गिरफ्तारी सिर्फ सक्षम अथॉरिटी के इजाज़त के बाद ही हो सकती है। जो लोग सरकारी कर्मचारी नहीं हैं उनकी गिरफ्तारी SSP की इजाज़त से हो सकेगी। हालांकि कोर्ट ने यह साफ किया गया है कि गिरफ्तारी की इजाज़त लेने के लिए उसकी वजहों को रिकॉर्ड पर रखना होगा। आइए जानते हैं क्या है नई गाइडलाइंस। ऐसे मामलों में निर्दोष लोगों को बचाने के लिए जो भी शिकायत मिलने पर तुरंत मुकदमा दर्ज किया जाएगा। सबसे पहले शिकायत की जांच DSP लेवल के पुलिस अफसर द्वारा शुरुआती जांच की जाएगी। यह जांच समयबद्ध होनी चाहिए, किसी भी सूरत में 7 दिन से ज़्यादा समय ना हो। DSP शुरुआती जांच का नतीजा निकालेगा कि शिकायत के मुताबिक क्या कोई मामला बनता है या फिर तरीके से झूठ आरोप लगाया या फंसाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने इस एक्ट के बड़े पैमाने पर गलत इस्तेमाल की बात को मानते हुए कहा कि इस मामले में सरकारी कर्मचारी अग्रिम जमानत के लिए आवेदन कर सकते हैं। SC/ST एक्ट के तहत जाति सूचक शब्द इस्तेमाल करने के आरोपी को जब मैजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा तो उसे उस वक्त उन्हें आरोपी की हिरासत बढ़ाने को फैसला लेने से पहले गिरफ्तारी की वजह की समीक्षा करनी चाहिए। सबसे बड़ी बात, ऐसे मामलों में तुरंत गिरफ्तारी नहीं की जाएगी। सरकारी कर्मचारी की गिरफ्तारी सिर्फ सक्षम अथॉरिटी की इजाज़त के बाद ही हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक इन दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने वाले अफसरों को विभागीय कार्रवाई के साथ अदालत की अवमानना की कार्रवाई का भी सामना करना होगा। अब तक थे ये नियम। SC/ST एक्ट में जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल संबंधित शिकायत पर तुरंत मामला दर्ज होता था। मामलों में जांच केवल इंस्पेक्टर रैंक के पुलिस अफसर ही करते थे। इन मामलों में केस दर्ज होने के बाद तुरंत गिरफ्तारी का प्रावधान था। इस तरह के मामलों में अग्रिम जमानत नहीं मिलती थी, सिर्फ हाईकोर्ट से ही नियमित जमानत मिल सकती थी। सरकारी कर्मचारी के खिलाफ अदालत में चार्जशीट दायर करने से पहले जांच एजेंसी को अथॉरिटी से इजाज़त लेनी नहीं होती थी। इन्हीं मामलों के कारण आज पूरे भारत के सभी दलित संगठन भड़के हुए हैं। इसकी पूरी जांच हो, निष्पक्ष जांच हो और एक्ट में बदलाव ना किया जाए ताकि उनके अधिकारों का हनन ना हो। SC एक्ट के बदलाव के कारण कुछ दलितों का मानना है कि उनके अधिकार उनसे छीने जा रहे हैं। बदलाव के कारण उन पे अत्याचार बढ़ जाएंगे और जो दलित लोग हैं उनको जीवन यापन में बहुत कठिनाइयां आ सकती है। अब आगे देखते हैं सरकार इस पे क्या फैसला लेती है, क्या दोबारा इसमें बदलाव किया जाएगा या इस संशोधन को रोक दिया जाएगा। शूट आउट न्यूज़ के साथ मैं सूरज कुमार, मैं रोहित कुमार। सब्सक्राइब करना ना भूलें।